ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत बजा शुरू में, किसी को याद कौन सा गीत था? कौन सा गीत बजा था शुरू में मेडिटेशन के टाइम? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और उसके बाद खजाना खुशी का लुटाते रहो। एक है खुश रहकर खुशी को लुटाना और एक है दूसरों से खुशी मांगना। हम कौन सी तरफ खड़े हैं? एक है खुशी का खजाना सदा लुटाते रहो और दूसरा है एक एक से खुशी अपनी मांगते रहो। हम कौन सी साइड पर खड़े हैं? अपना खजाना लुटाने में खड़े हुए हैं। ओके, एक मिनट फिर साइलेंस में बैठते हैं। खुशी कैसे क्रिएट करनी है उस पर नहीं फोकस करेंगे। खुश हम ऑलरेडी हैं, लेकिन खुशी किन बातों से जा रही है? सारा दिन में कौन सी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जिस वजह से जो मन की स्थिति है स्टेबल, है शक्तिशाली, है खुश, है शांत, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम सारा दिन में करते हैं जिससे वो फिर जहाँ है वहाँ से नीचे उतर जाती है। अभी तक हम सोच रहे थे हम नीचे हैं, कुछ करना है जिससे खुश हो जाएं, और परमात्मा ने आकर कहा आप खुश हो, अब सिर्फ ध्यान रखना है कि वहाँ से नीचे ना चले जाएं, राइट? तो हर एक अपने जीवन के लिए चेक करेगा, दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि आप सब उस प्रोफेशन में हैं जहाँ आप सारा दिन दुनिया के बारे में सोचते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया को क्या बताना है, दुनिया के साथ क्या शेयर करना है। रेयरली डू वी गेट टाइम कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो सिर्फ एक मिनट के लिए और सिर्फ अपनी लाइफ को देखते हुए सारा दिन में क्या ऐसा होता है छोटा छोटा जिससे मूड ठीक था अब खराब हो जाता है। मूड खराब है उसको ठीक करना नहीं, मूड ठीक है वो खराब कौन सी छोटी छोटी बातों में हो जाता है, हर एक अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चेक करें। चलिए एक मिनट साइलेंस में बैठते और अपनी जीवन को देखें, सारा दिन का एक नॉर्मल डेली रूटीन, ट्रैवल, अपना कर्म क्षेत्र, किन लोगों के साथ काम करते हैं, परिवार में कौन कौन है, हर एक के स्वभाव संस्कार कैसे हैं, सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं जिससे मेरे मन की स्थिति जैसी मुझे चाहिए वैसे ना रहकर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। आप बताएंगे, एनीबडी? हाँ जी, आप बस बोलते जाएं, खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। परफेक्ट। जैसा हम चाहते हैं वैसी सिचुएशन नहीं होती है, या जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किसी का व्यवहार हो वो नहीं होता है तो मूड ठीक नहीं रहता। वेरी गुड। और हाँ जी बहन, वेरी गुड। हमारे आसपास परिवार, संबंधी, दोस्त अगर दुखी होते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स?
अच्छा, हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है, इसलिए दुखी होते हैं। ओके, व्हाट एल्स? हमारे विचार मैच नहीं करते किसी के साथ। एनीथिंग एल्स? भौतिक साधनों की कमी के कारण भी दुखी हो जाते हैं। और हाँ जी, अच्छा, हम दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। ओके, अगर सारे दुखी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर सारे ही दुखी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर में अगर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो दुखी हो जाते हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ओके, चाहे गए लक्ष्य से थोड़ा सा दूर हैं तो भी मूड ठीक नहीं रहता। नकारात्मक सोच हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। वेरी गुड, कई बार इमेजिनरी ही हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स? ओ, घर में कोई चीज़ ठीक जगह पर नहीं पड़ी हो, नहीं मिल रही हो, तो भी हम परेशान हो जाते हैं। वेरी गुड, हमें परेशान करने के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए आजकल। हाँ, परेशान करने के लिए बड़ी बातें नहीं चाहिए आजकल, हम तो छोटी छोटी बातों में ही, पहले हम छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे, आजकल हम छोटी छोटी बातों में ही परेशान हो जाते हैं, बड़ी बात चाहिए ही नहीं हमें परेशान होने के लिए। एनीथिंग एल्स? परिवार में जब कोई सुखी नहीं होता, उनको दुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? अब हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, टीवी प्रोग्राम देखने के लिए लेट हो जाएं तो भी दुखी हो जाते हैं। वेरी गुड, टीवी प्रोग्राम देख के भी दुखी हो जाते हैं, नहीं देख पा रहे तो भी दुखी हो जाते हैं, और देख लिया तो भी दुखी हो जाते हैं। हमारे पसंद का चैनल नहीं मिलता, अब तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में चले गए। फिर सारी बातें, ये सारी बातें एक ही कैटेगरी में आती है। परिस्थिति अगर हमारे अनुसार नहीं हो तो मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। हम एक एक परिस्थिति में ना जाएं, पूरा जनरल हो गया तो क्या होगा कि परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती है तब हमारी स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। एक सेकेंड चेक करें, परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती है तो डिस्टर्ब होना ये नेचुरल है, राइट? राइट? और फिर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होगी तो गुस्सा आना भी नेचुरल है, क्योंकि परिस्थिति जो मेरे अनुसार नहीं है, अब मुझे उस परिस्थिति को अपने अनुसार करना है, और कराने का तरीका कौन सा देखा था चारों तरफ आसपास, परिस्थिति को अपने अनुसार कैसे किया जाता है? एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है, एक छोटे से इतने साइज के, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना वाला, उसको मार्केट लेकर चले, वो आपको प्यार से कहता है मुझे ये लेना है, आप कहते हो नहीं चलो, वो कहेगा मेरे को ये चाहिए, आप कहते हो नहीं चलो आगे है घर पे और नहीं चाहिए अभी, फिर वो क्या करता है, वहाँ खड़ा हो जाता है और वो जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, और जैसे ही वो चिल्लाने लगता है हम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम उसको वो चीज़ दे देते हैं। वी लर्न द रूल फॉर लाइफ, कि चीज़ों को, लोगों को अगर अपने अनुसार कराना है तो तरीका कौन सा है? उस बच्चे ने प्यार से मांगा, उसको नहीं मिला, उसने दूसरी बार फिर प्यार से मांगा, उसको नहीं मिला, तीसरी बार वो चिल्लाया, उसको तुरंत मिल गया, अगली बार वो दो बार प्यार से नहीं मांगेगा,
इसी तरह हम बड़े हुए, आए, काम करवाने लगे, हमने किसी से कहा ये कैमरा इधर नहीं, इधर कर दो, करता हूँ। ने कहा भैया प्लीज़ कैमरा रास्ते में आ रहा है, कैमरा इधर नहीं, उधर कर दो। अच्छा अभी करता हूँ। फिर हमने ज़ोर से चिल्ला के बोला, उसने तुरंत कर दिया। क्या सीखा? प्यार से बोला, नहीं करते। फिर प्यार से बोला, नहीं करते। शोर मचा के बोला, तुरंत कर दिया। टाइम किसके पास है 2 बार प्यार से बोलने के लिए? बिकॉज वी आर इन अ टाइम कि हमें सब कुछ कैसे कराना है, अब जल्दी 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 जल्दी। तो अगली बार हमने क्या किया, 2 बार प्यार से बोलने वाला मेथड यूज़ ही नहीं किया। हमने ज़ोर से बोला, काम हो गया। फिर हमने इनको ज़ोर से बोला, काम हो गया। फिर इनके ऊपर डांटा, इन्होंने काम कर दिया। बच्चों को डांटा, बच्चे पढ़ने लग गए। सब कुछ होने लग गया डांटने से। और हमने देखा ये वाला तरीका यूज़ करने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, काम हो जाते हैं, दुनिया हमारा कहना मानने लगती है, सारे लोग हमारे आते ही हमारे अनुसार चलने लग जाते हैं। और क्या चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था? काम होने लगा, लोग कहना मानने लगे, बच्चे पढ़ने लग गए, सब कुछ होने लग गया अपने आप, अगर मैंने चिल्ला कर बोल दिया तो। और धीरे धीरे वो वाला तरीका मेरा क्या बन गया, कोई भी चीज़ 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, तो वो हमारी बन गई आदत। अब उसके बाद सोचना नहीं पड़ता है। अब कोई रेडी भी है प्यार से करने के लिए तो भी अब तो हमें ही नहीं आता कि कैसे हमने प्यार से बोलना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है अब ऑटोमेटेड मोड में चला गया है। पहले हम चूज़ करते थे, इनसे प्यार से हो सकता है, इनको डांट के बोलना पड़ता है, लेकिन करते 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 धीरे धीरे वो हमारा बन गया संस्कार। एक बार कोई चीज़ हमारा संस्कार बन जाएगी, हार्ड कड़क संस्कार, उसके बाद माइंड और इंटेलेक्ट वर्क नहीं करेगा कि माइंड थॉट क्रिएट करे प्यार से बोलो या गुस्से से बोलो, फिर बुद्धि करे नहीं नहीं प्यार से बोलो, हो जाएगा, वो सब फेज नहीं आएगा। संस्कार सीधा एक्शन में आता है। दोनों जो पहले वाले गेट्स हैं वो बायपास होके संस्कार सीधा एक्शन में आया, और फिर हमने कहना शुरू किया, हम गुस्सा करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो आ जाता है, हमने चूज़ थोड़ी किया, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाता है। और फिर धीरे धीरे हमने कहा, हमें गुस्सा आता थोड़ी है, गुस्सा तो वो लोग दिलाते हैं, विच मीन्स मेरा अपने ऊपर अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल? यहाँ तक कि अगर आप कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, कैसे भी रोड पर हैं, अगर कोई और व्यक्ति रोड पर गलत तरह से भी अपनी गाड़ी चला रहा है, वो अपनी, हमारी गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी, अपनी चॉइस ऑफ स्पीड पे अपने तरह से हॉर्न बजाते हुए वो चला रहा है, तो भी हमें गुस्सा आ सकता है अपनी गाड़ी में बैठकर। इसका मतलब हमारे मन की स्थिति को किसने कंट्रोल किया? हाउ सेफ इज इट, ये कितनी सेफ सिचुएशन है कि हमारे मन की स्थिति, हमारे मूड, हमारी फीलिंग्स अब किसके कंट्रोल में चली गई है? जब ये स्थिति आ जाएगी
कि हमारे मन की स्थिति का कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा, तो फिर सदा खुश रहो और सदा मुस्कुराते रहो और खुशी का खजाना बांटते रहो, तो वो तो क्या हो जाएगा फिर? नहीं। और इसलिए हमने आज कहना शुरू किया, जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, विच मेंट कि परिस्थिति डिसाइड करती है मेरा मूड। राजयोग मेडिटेशन ये पहली इक्वेशन को चेंज करता है। परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है, पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है? टोटली ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है? ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति। एक है जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और दूसरा है जैसी मेरी स्थिति वैसी परिस्थिति। कौन सी सच है? जैसी परिस्थिति वैसा मेरा मूड, या जैसा मेरा मूड वैसी सिचुएशन? चेक 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 चेक। जैसी सिचुएशन वैसे मेरा मूड बनेगा, ये जैसा मेरा मूड होगा वैसी सिचुएशन बन जाएगी। आपने कभी अनुभव किया है कि अगर जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं किसी बात से, उस दिन आप ऑफिस में आए और आपके आसपास के लोग बड़ी बड़ी गलती भी अगर कर देना, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई बात, अगली बार मत करना, ध्यान से करना, क्योंकि आज किसका मूड अच्छा है? आज हमारा मूड अच्छा है। तो जैसे ही हमारा मूड अच्छा है, बड़ी बड़ी गलती भी हमें कैसी लगती है? छोटी लगती है। तो परिस्थिति क्या हो गई? छोटी हो गई। लेकिन आज अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और फिर किसी ने छोटी गलती भी कर दी, तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? तो जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। अगर हम सारा दिन में सिर्फ ये एक अवेयरनेस के साथ चल लें और कुछ भी नहीं करना है, सारा दिन में सिर्फ ये एक अटेंशन, ये परिस्थिति है, उसकी अपनी एनर्जी है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो सिचुएशन है, उसकी अपनी वाइब्रेशन है, उनका अपना स्वभाव है, संस्कार है, और अब मुझे उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ परिवार में रहते हुए कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है जिससे उनकी स्थिति मेरी स्थिति पर ना इफ़ेक्ट डाले, मेरी स्थिति मेरी अपनी स्थिति रहे। जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो गुस्सा वो नहीं दिलाएंगे, गुस्सा करना किसकी चॉइस हो जाएगी? गुस्सा करना किसकी चॉइस हो जाएगी? हमारी चॉइस हो जाएगी। फिर हम चूज़ कर सकते हैं गुस्सा करना है या नहीं करना है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। किसी का मन करे, किसी को लगे उसमें बहुत फ़ायदा है तो क्रोध को यूज़ करें, लेकिन एटलीस्ट ऑटोमेटेड मोड से शिफ्ट होकर चॉइस वाले मोड में आकर ये तो कहे ना, मैं चूज़ कर रहा हूँ गुस्सा करना, मैं चूज़ कर रहा हूँ इस हथौड़े को लेकर अपने आप को मारना, टक टक, इट्स ओके। ताकि चोट भी जो लगेगी उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार मैं, रादर देन दुनिया। सिर्फ इतना करना है। धोखा उन्होंने दिया, झूठ उन्होंने बोला, नुकसान उन्होंने किया, गलत उन्होंने किया, दर्द जो मुझे हुआ, हर्ट जो मुझे हुआ, नफरत जो मुझे हुई, ये किसकी चॉइस थी? ये किसकी चॉइस थी? वो यहाँ हैं,
गलत कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान कर रहे हैं, मेरे काम में तंग कर रहे हैं, मुझे ऑफिस में नीचा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बारे में कुछ 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 गलत फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो यहाँ है। यहाँ जो चल रहा है, चलता है यहाँ पे अंदर कुछ सारा दिन? यहाँ पे एक रनिंग कमेंट्री सारा दिन चलती है? यहाँ जो रनिंग कमेंट्री सारा दिन चलती है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे बोला, ये कैसे किया, वो कैसे, ये कमेंट्री किसकी चॉइस की है? उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया, वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस किसके पास है? अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है? किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है? सोचो सोचो, चॉइस करके डिसीजन लेना ना जाने से पहले यहाँ पे। किसी ने मेरे साथ गलत किया, क्या उनके प्रति अच्छा सोचना पॉसिबल है? अच्छा, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल नहीं है। आई लाइक दैट। हाँ जी, अच्छा, अभी आप अपने माइंड की स्क्रीन पर कोई एक नाम ले आइए। है हर एक के पास कोई एक नाम जिसने छोटा मोटा गलत या बहुत बड़ा बड़ा गलत किया हो आपके साथ? है, जिसका नाम हमने अभी तक पकड़ के रखा है कि इन्होंने मुझे हर्ट किया, इनकी वजह से मेरे जीवन में ये ऊपर नीचे हुआ, वो नाम यहाँ पर है। और वो जो बात हुई थी वो शायद पता नहीं कब हुई थी, हो सकता है आज सुबह हुई हो सकता है कल हुई हो, और हो सकता है हमारे अंदर कितनी पावर है, हम बात को कितना समय पकड़ के रख सकते हैं, कितना समय पकड़ के रख सकते हैं, हाँ, बात को कितना समय पकड़ के रख सकते हैं। कई बार हम कितना प्राउडली कहते हैं, ये वाली इनकी बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। जितनी देर हम पकड़ के रखेंगे, दर्द उनको होगा? दीक्षित जी आज सुबह मिले, मुझसे ठीक से बात ही नहीं किया, सबके सामने इंसल्ट कर दी, ठीक है, कुछ बहुत, हाँ, ये तो कर ही नहीं सकते, रॉन्ग एग्जाम्पल। ये तो कर ही नहीं सकते, कर दिया आज, आज कर दिया, आपको कैसे पता मेरी इंसल्ट हुई ना? किया, आज किया, सुबह किया, मैं आपको अलग से बताऊंगी क्या किया उन्होंने, आज किया उन्होंने, सुबह चार लोग खड़े थे, चार लोगों के सामने ऐसी कोई बात कह दी, मेरा मन एकदम, ऐसा कैसे कह सकते हैं सबके सामने? पहली बात तो बात ही सच नहीं थी, अपना अनुमान लगाकर बोल दिया, बोलना भी था तो कम से कम अकेले में लेके चुपचाप बोलना चाहिए था ना, सबके सामने बोल दिया, इंसल्ट कर दी मेरे सबके सामने, ये मेरी कमेंट्री शुरू हो गई। अब इस बात को कितनी देर चलाना है अंदर, वो दीक्षित जी के हाथ में या मेरे हाथ में? लेकिन जितनी देर वो कमेंट्री मेरे अंदर चल रही है, मुझे लगता है वो कमेंट्री का जिम्मेवार कौन, मेरे हर्ट का जिम्मेवार कौन? एंड बेस्ट पार्ट वो है कि वो तो मौज कर रहे हैं, और फिर मैं उनको शाम को मिलती हूँ फिर से, और बात भी नहीं करती, ऐसे देखती हूँ उनको, क्योंकि मैंने सोचा शाम तक तो रियलाइज हो जाएगा कम से कम, शाम को आकर थोड़ा सॉरी वॉरी बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, तब तो मैं बात करना शुरू करूं। वो सॉरी नहीं बोलते हैं,
बात ही नहीं, वो अपना आराम से बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं करती उनसे, ताकि उनको रियलाइज़ हो, उनको पता ही नहीं, वो कहेंगे कौन सी बात को पकड़ के ये उदास है। जिसने हमें वो किया या कहा उनको कोई दर्द नहीं होता है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो हमारी बात को पकड़ने से, इवन अगर उन्होंने गलत किया है, बात को पकड़ने से दर्द उनको नहीं हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? हमें दर्द हो रहा है। अगर मेरे बात को पकड़ने से दर्द उनको होता तो एक जीवन क्या, अनेक जीवन पकड़ के रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उन्होंने किया तो उनको दर्द होना चाहिए, दे डिज़र्व टू बी पनिश्ड। लेकिन मेरे बात पकड़ने से दर्द मुझे हो रहा है, तो एक्चुअली क्षमा कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? क्षमा करना है तो किसको करना है? किसको करना है? हम जब कहते हैं ना क्षमा करना, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज़ कैसे करेंगे? और अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज़ पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, ज़ोर से मारा, चोट लग गई, फिज़िकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे, तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और ज़ोर से लगेगी। जितनी और ज़ोर से लगेगी, दर्द और ज़ोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और ज़ोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिज़िकल तो ऑब्वियस होती है, और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिज़िकल चीज़ को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। यस, दाग लग जाएगा। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा, उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। कब साफ़ किया लास्ट? लास्ट कब साफ़ किया? लास्ट कब साफ़ किया? मालूम नहीं। और धीरे 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 इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया? इतने दाग पड़ते गए कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया। आज सुबह के सत्र में आपने देखा आत्मा का ओरिजिनल कलर क्या है, आत्मा का ओरिजिनल कलर क्या है? प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, पीस। और आज हमारे कलर कौन से हो गए? हमारे कलर कौन से हो गए? गुस्सा, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, ये सारे कलर हैं हमारे, या ऊपर से लगे हुए, ऊपर से लगे हुए दाग हैं। क्यों ये दाग लग गए? क्योंकि जब ये लगे हमने उनको उसी टाइम,
उसी टाइम साफ नहीं किया, हमने कहा ये बात तो पकड़ी, ये बात भी पकड़ी, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकती। और हमने ये सोचा कि अगर दाग साफ करने भी हैं तो किसको करने होंगे, अगर दाग साफ करना भी है, अभी अगर दीक्षित जी ने मुझे गलत बोला और मैं हर्ट हुई, तो अगर वो हर्ट के दाग को साफ करना भी है तो किसको साफ करना होगा, दीक्षित जी को, वो आएंगे साफ करने के लिए। अब उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आकर साफ करें या नहीं करें, और उनका मूड ये भी हो सकता है कि वो शाम को आकर, चॉइस। जितना डिपेंडेंसी करते गए दाग पकड़ते गए, पर बातें आएंगी ही। जो भाई ने पीछे कहा कि हमारी सोच मैच करती नहीं, वो तो कभी भी मैच नहीं करेगी। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि हम सब एक जैसा सोचने लग जाएंगे? इमेजिन करो, आप कल सुबह उठते हैं, अपने घर जब पहुंचेंगे, घर में चार लोग रहते हैं, चारों सुबह उठते हैं और एक जैसा सोचते हैं, कैसे हो जाएगी जीवन? एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ कैसी हो जाएगी? स्वर्ग? सीन क्रिएट करना, एकदम ऐसे नहीं आंसर आ सकता। सीन क्रिएट करो, चार लोग सुबह उठते हैं, पहली बात तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे उठेंगे, सेम स्टाइल में उठेंगे, नहीं होगा, अगर हुआ तो, नहीं होगा मालूम है, अगर हुआ तो एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, जीवन कैसी हो जाएगी? फिर आप ऑफिस जाएंगे, वहां भी सब लोग एग्जैक्टली आपके जैसा सोचेंगे, आपके जैसा बोलेंगे, आपके जैसा करेंगे, जीवन कैसी हो जाएगी? हाँ, इतना बोरिंग हो जाएगा बिल्कुल। ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि हर एक डिफरेंट है, और इसी ब्यूटी को हम सारा दिन खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं, जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे जैसे बन जाएं, हमारे जैसे सोचें, हमारे जैसे बोलें, हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा करें। तो जो ब्यूटी है, उसी ब्यूटी को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा दिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक है एक्सेप्ट करें कि हर एक की सोच कैसे होने वाली है, डिफरेंट, ये तो होने ही वाला है। जहाँ डिफरेंट सोच होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी, कभी कभी कोई ऐसी बात होनी ही है, मतलब चाय तो गिरनी ही है, लेकिन दाग को कितनी देर रखना है ये चॉइस हमारी है। क्या हम दाग को मिटा सकते हैं? क्या हम दाग को मिटा सकते हैं?